हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। आइए शुरू करते हैं। इंडिया आज जीतेगी। इंडिया विल विन टुडे। मेरे फाइनल एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। माय फाइनल एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। माय फाइनल एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। चिंता मत करो, आत्मविश्वास रखो। डोंट बी नर्वस, हैव कॉन्फिडेंस। डोंट बी नर्वस, हैव कॉन्फिडेंस। मुझे इस मामले में मत डालो। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे इस मामले से दूर ही रखो, मुझे इसमें मत डालो, तो आप कह सकते हैं डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। मेरा दिल बाग बाग हो गया। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं तो आप कह सकते हैं आई वॉज ओवरजॉयड। आई वॉज ओवरजॉयड। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। आजकल के गर्मी में के दिनों में आप कह सकते हैं इट्स अ टेरिबली हॉट टुडे। इट्स अ टेरिबली हॉट टुडे। क्या मैं पंखा चला सकता हूँ? कैन आई स्विच ऑन द फैन? कैन आई स्विच ऑन द फैन। और आप कह सकते हैं कैन आई रन द फैन? कैन आई रन द फैन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं डू आई स्विच ऑन द फैन, या फिर शैल आई टर्न ऑन द फैन। आप इसे कैसे भी करके बोल सकते हैं। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा। इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल। और इन्वर्टर इज मॉल फंक्शनिंग। इन्वर्टर इज मॉल फंक्शनिंग। आज उमस बहुत ज्यादा है। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को 2 बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसको बोलने का तरीका अच्छे से समझ आ जाए और आप एक ही बार सुनने से इनको याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। The sky is overcast with clouds. आज बारिश हो सकती है। It may rain today. It may rain today. बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया। The rain has made the weather pleasant. The rain has made the weather pleasant. काश और बारिश हो। I wish it rained more. I wish it rained more. ठंडी ठंडी हवा चल रही है। A cool breeze is blowing. A cool breeze is blowing. आज थोड़ी ठंड है। It's a little cold today. It's a little cold today. बारिश हो रही है। It's raining. It's raining. मुझे ठंड लग रही है। I'm feeling cold. I'm feeling cold. पंखे की स्पीड कम कर दो। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन. डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। और आप इसे कह सकते हैं रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन। आप इसे ऐसे भी सिंपली बोल सकते हैं स्पीड डाउन द फैन। स्पीड डाउन द फैन। उसे हल्का सा बुखार है। शी हैज अ माइल्ड फीवर। शी हैज अ माइल्ड फीवर। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो गया है। इट्स गॉट डार्क। इट्स गॉट डार्क। अंधेरा हो रहा है में अभी अंधेरा हुआ नहीं है, मतलब अभी धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा है, तो इसलिए इसे आप बोलेंगे गेटिंग डार्क। और जब अंधेरा पूरा हो जाए तो आप उसे कहेंगे इट्स गॉट डार्क। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? Can you come with me? Can you come with me? Please मम्मा से पूछ लो। Please ask mom. Please ask mom. जाओ मजे करो। Go and enjoy yourself. Go and enjoy yourself. हम खरीदारी करने चलते हैं। Let's go shopping. Let's go shopping. अगर आपको कहीं पे चलना है तो आप उसे लेट्स गो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि हम मूवी देखने चलते हैं, तो आप उसे कहेंगे लेट्स गो मूवी। हमें पैदल चलना चाहिए, वी शुड गो ऑन फुट, वी शुड गो ऑन फुट। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। जब आपको किसी का काम बहुत पसंद आता है तो आप उसे तारीफ में कह सकते हैं यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये काफी अच्छा लग रहा है, That looks pretty good. That looks pretty good. सामान खोल दो, unpack the luggage. Unpack the luggage. सामान बांध लो, pack your stuff. या फिर आप कह सकते हैं pack your bags. Pack your stuff या फिर pack your bags. उसे फोन करो, ring him up. Ring him up. 5 बजे का अलार्म लगा दो, Set the alarm at 5. Set the alarm at 5. नंगे पांव मत चलो. Don't walk barefooted. Don't walk barefooted. अपने जूते पहन लो. Put on your shoes. Put on your shoes. अपने जूते उतार दो. Take off your shoes. Take off your shoes. कुछ भी पहनने के लिए आप put on यूज करेंगे और चीज को उतारने के लिए take off का यूज करेंगे। सुई में धागा डाल दो, thread the needle, thread the needle। अपने नाखून काट लो, pare your nails, pare your nails। उसे जल्दी उठना पड़ता है, she has to wake up early, she has to wake up early। मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता, I don't have to mop, I don't have to mop। तुम्हें क्या करना पड़ता है, What do you have to do, What do you have to do। यह बेकार है, It is useless, It is useless। बालों में कंघी कर लो, Comb your hair, Comb your hair। मुझे जाना है, I have to go. I have to go. अपना आपा ना खोएं। अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आप उन्हें कहना चाहते हैं कि वह अपना आपा ना खोएं, शांत रहें, तो आप कह सकते हैं Don't lose your temper. Don't lose your temper. समय की नज़ाकत को समझो. Understand the delicacy of time. Understand the delicacy of time. नल खोल दो, turn on the tap, turn on the tap। नल बंद कर दो, turn off the tap, turn off the tap। मुझे थोड़ा समय दो, give me some time, give me some time। उसे समय लेने दो, let him take time, let him take time। उसे गाली मत दो। अगर कोई किसी को बुरा भला कह रहा है या फिर गाली दे रहा है तो आप उसे कह सकते हैं डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। बेतुकी बातें बंद करो। अगर कोई बेवजह ऊटपटांग की बातें कर रहा है, बिना सर पैर की बात कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। एक एक करके बोलो। अगर आप कहीं पर बैठे हैं और 4-5 लोग एक साथ बात करने लगे तो आप उन्हें कह सकते हैं स्पीक वन बाय वन, स्पीक वन बाय वन, मतलब एक एक करके बोलो। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग। वह बड़बड़ाती रहती है। कुछ लोगों की बेवजह बड़बड़ाने की आदत होती है तो आप कह सकते हैं शी कीप्स ग्रम्बलिंग, शी कीप्स ग्रम्बलिंग। वह भाव खा रही है। अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं और वह आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि वह बहुत भाव खा रही है, मतलब शी इज एक्टिंग प्राइसी, शी इज एक्टिंग प्राइसी। अपना मुंह मीठा कीजिए, स्वीटन योर माउथ, स्वीटन योर माउथ। वह खुश हो गया, ही गॉट हैप्पी, ही गॉट हैप्पी। अपनी लार मत टपकाओ। अगर आप कुछ खा रहे हैं और कोई इंसान आपको देखे जा रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट ड्रूल, डोंट ड्रूल। उसकी नजर उतार दो। अगर कोई बहुत अच्छा दिख रहा है और आपको लगता है कि उसको कहीं किसी की नजर ना लग जाए तो आप कह सकते हैं ward off the evil eye of her, ward off the evil eye of her। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, I want to talk to you, I want to talk to you। अगर आपको किसी से प्यार से या फिर डिसेंट वे में पूछना है तो आप कह सकते हैं मैं आपसे बात करना चाहूंगा, I would like to talk to you, I would like to talk to you। AC बंद कर दो, switch off the AC, switch off the AC। दोबारा कब मिलोगे, when will you meet again, when will you meet again। आपसे मिलकर खुशी हुई, pleased to meet you, pleased to meet you। आपको कार चलाना सीखना चाहिए, you should learn to drive a car, you should learn to drive a car। आप इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, ड्राइविंग सीख लो, learn driving, learn driving। यह इतना मुश्किल नहीं है, it's not that difficult, it's not that difficult। आप जल्दी सीख जाओगे, you will learn soon, you will learn soon। आप में वह कला है, you have that art, you have that art। दरवाजे का सहारा मत लो, don't lean against the door, don't lean against the door। कपड़े सुखा दो, put the clothes to dry, put the clothes to dry। आलू छील दो, peel off the potatoes, peel off the potatoes। अगर आपको कोई भी फल या सब्जी छीलने की बात करनी है तो आप peel off वर्ड का यूज करेंगे, जैसे कि peel off the oranges, संतरे छील दो, peel off the banana, केला छील दो, peel off the onion, प्याज छील दो, etc। यह सच है, it's true, it's true। यह झूठ है, it's a lie, it's a lie। आप इसे लाई नहीं कहेंगे, lie कहेंगे, it's a lie। यह गलत है, it's wrong, it's wrong। समझ गए, understand, understand या फिर got it, got it। वहाँ कौन है, who is there, who is there। और आप कह सकते हैं who's there, who's there। क्या तुम जानते हो, do you know, do you know। वो क्या है, what's that, what's that। मैं नहीं जानती या फिर मुझे नहीं पता, I don't know, I don't know। मैं नहीं मानती, अगर आपको किसी चीज पर विश्वास नहीं है और आप कह सकते हैं I don't believe, I don't believe। मैं कोशिश करूंगी, I will try, I will try। मैं कोशिश कर रही हूँ, I am trying, I am trying। अगर आप किसी को काम करने का वादा करते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे कोशिश करूंगी तो आप कह सकते हैं I will try। और अगर आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे कहेंगे I am trying। क्या तुमने कोशिश की, Did you try, Did you try। वह नहा रहा है, He is taking a bath, He is taking a bath। और आप कह सकते हैं He is taking a shower, He is taking a shower। उसका कोई भरोसा नहीं, अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई उस इंसान का कोई भरोसा नहीं, वह विश्वास के लायक नहीं है, तो आप कह सकते हैं He is not reliable, He is not reliable। इसमें मेरा क्या कसूर है, What is my fault in it, What is my fault in it। आज छुट्टी है, Today is holiday, Today is holiday। आपसे यह उम्मीद नहीं थी, I didn't expect it from you, I didn't expect it from you। मैं जल्दी में हूँ, I am in a hurry, I am in a hurry। जो हो गया सो हो गया, let bygones be bygones, let bygones be bygones। घबराओ मत, don't panic, don't panic। वह सोया हुआ था, he was asleep, He was asleep. इसमें ऐसा क्या खास है? What is so special in it? What's so special in it? वह कायर है। अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई ये इंसान बहुत डरपोक है, कायर है, तो आप कह सकते हैं He is a coward. He is a coward. क्या आप मुझसे नाराज हो? Are you annoyed with me? Are you annoyed with me? ये आपका वहम है। It is your illusion. It's your illusion. मैं मजाक कर रही हूँ। I'm just kidding. I'm just kidding. क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? Is this your final decision? Is this your final decision? वह कोई ऐरा गैरा नहीं है। He is not Dick and Harry. He is not Dick and Harry. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।